तो गाइस इस वीडियो में मुझे कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करनी है। यहाँ पे हमारे नोट 8 प्रो डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का ओटी अपडेट, स्टेबल एंड्रॉयड 10 का ओटी अपडेट आ चुका है और बहुत सारे यूजर्स ने अपडेट भी कर लिया है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, तो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो इस अपडेट के आने के बाद बहुत सारे यूजर्स, मैंने वीडियो जो बनाई थी उसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स ने कॉमेंट किया, रिपोर्ट किया कि भाई यूट्यूब फुल HD में प्ले नहीं हो रहा है, वो लिमिटेड हैं 480p की मतलब स्ट्रीमिंग पे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये बग है YouTube की तरफ से, या फिर बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मतलब डिवाइस में ही अपडेट के थ्रू ये बग आ गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ये कोई बग नहीं है हमारे डिवाइस का, ये कुछ भी इशू नहीं है। ये मतलब आज के टाइम पे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे YouTube हो, चाहे Netflix, Amazon Prime, Sony, Voot, जितने भी हैं, Hotstar, सभी ने इस टाइम पे बैंडविड्थ को बचाने के लिए HD स्ट्रीमिंग पे मूव कर लिया है और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, खास करके सेल्युलर नेटवर्क्स के ऊपर। तो अगर आप अपने डिवाइस को सेल्युलर नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल डेटा पे यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो रिड्यूस होगी, अब 480p तक ही मैक्सिमम चलेगी, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन तक आप वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया और ऐसा कब तक चलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए, जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी कोरोना वायरस की वजह से, तो इस वजह से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, और ज्यादातर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। तो सब घर में रह रहे हैं, तो व्हाट्सएप ये वो सब कुछ यूज कर रहे हैं, वीडियोज फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो सेलुलर नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ गया था और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ध्वस्त होने के कगार पे था, ऐसा वो बोल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ा सा बैंडविड्थ को लिमिट कर दो कुछ टाइम के लिए, ताकि हम सर्विसेज दे पाएं, क्योंकि इस टाइम पे वो सर्विसेज को अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स भी नहीं अवेलेबल हैं ज्यादा। तो इसके लिए मीटिंग हुई थी सभी जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सभी के जो मेंबर्स हैं वो आए थे वहां पे, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ भाई 14 अप्रैल तक के लिए, जी हाँ 14 अप्रैल तक के लिए सेलुलर नेटवर्क के ऊपर हम जब भी कोई चीजें स्ट्रीम करेंगे तो वो लिमिटेड होगी 480p रेजोल्यूशन पे, यानी कि स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे। वहां पे आप 4K कंटेंट नहीं स्ट्रीम कर सकते हैं, हालांकि सेलुलर नेटवर्क पे कौन ही 4K कंटेंट स्ट्रीम करता होगा, बट HD कंटेंट या फुल HD कंटेंट भी आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं वाईफाई नेटवर्क की, तो मैं अपने घर में वैसे यूज कर रहा हूं और देख सकते हैं मेरा नोट 8 प्रो डिवाइस है, और यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि वाईफाई नेटवर्क के ऊपर मैं इसमें फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और कंफर्म करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे सेलुलर नेटवर्क वाले डिवाइस पे भी, मतलब जिसमें मैं वाईफाई नहीं यूज कर रहा हूं, उसमें भी फुल HD कंटेंट मैं स्ट्रीम कर पा रहा हूं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे भी HD कंटेंट ही देखना पड़े और HD कंटेंट मुझे देखने को ना मिले, बट अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो मैं सेलुलर नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क दोनों पे ही फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर पा रहा हूं अपने एरिया में, और नोट 8 प्रो डिवाइस में फुल HD कंटेंट चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि एंड्रॉइड 10 अपडेट आने के बाद नोट 8 प्रो डिवाइस में ये इशू आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी और स्मार्टफोन में भी ट्राई कर लीजिए, वहां पे भी आपको HD कंटेंट ही देखने को मिलेगा, फुल HD या फिर HD कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसे फिलहाल 14 अप्रैल तक लागू किया गया है और हो सकता है अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया जाए तो इसे भी और बढ़ा दिया जाएगा। बाकी इसके बारे में कोई और अपडेट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो। और साथ ही एक और बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, और किस क्वालिटी में आपके मतलब फोन में चल रहा है, और कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि हाँ भाई ये दिक्कत मतलब यूट्यूब की या फिर स्मार्टफोन्स की नहीं है, मतलब इसे पीछे से ही बंद कर दिया गया है, पीछे से ही क्वालिटी को रिड्यूस किया गया है, ताकि जो बैंडविड्थ है थोड़ा कम यूज हो और सर्वर्स पे लोड थोड़ा कम पड़े और सर्विसेज हमारी बढ़िया से चलती रहे, मतलब बंद ना हो कम से कम। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।